मित्रों, अब आपको बताते हैं कि आपकी राशि पर भी इस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव जरूर हो सकता है। तो मेष से लेकर मीन राशि तक के लोग एक छोटा सा महा उपाय करेंगे ताकि इस ग्रहण से आप बचे रहें। मेष राशि वाले जितने जो लोग हैं उन्हें धन को लेकर और मानसिक तनाव को लेकर परेशानी होगी, तो उपाय के तौर पर चंद्रमा को जल में मिश्री मिलाकर आप अर्घ दे दीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। वृष राशि वाले, आंखों में परेशानी हो सकती है, पारिवारिक लड़ाई झगड़ा हो सकता है, यह आपको झेलना पड़ेगा। क्या करें उपाय? नमक का सेवन बिल्कुल कम कर दीजिए, भगवान शिव का भजन और पूजन आप शुरू कर दीजिए, आप देखिए आप हर परेशानी से बचे रहेंगे। मिथुन राशि, धन को लेकर कलह कलेश बढ़ सकता है, बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि ग्रहण का दुष्प्रभाव है। भगवान शिव को कच्चे दूध से अभिषेक करा दीजिए, आप देखेंगे आपका मन मस्तिष्क एकदम स्वस्थ हो गया है। बात करते हैं कर्क राशि की। चंद्र प्रधान राशि और वही चंद्रमा पीड़ित है, तो भाई कर्क राशि वालों, शारीरिक परेशानियां और बीमारी आपको घेर लेंगे। बचने का एक छोटा सा उपाय है, ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर दीजिए, आप देखेंगे हर परेशानी और दुविधा और संकट से आप बच गए हैं। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का जो पैसा है वो बीमारियों पर खर्च होगा, बहुत संजोकर इन्होंने बटोर कर जो पैसा रखा था वो ये समय है, क्योंकि सिंह राशि से 12वें घर में आते हैं चंद्रमा, हॉस्पिटलाइजेशन का वो भाव है, तो आप बीमारियों पर पैसा खर्च करने से बच जाएंगे अगर आप नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। तो कन्या राशि, कन्या राशि वाले जितने जो लोग हैं, रुके हुए पैसे मिलने में यह चंद्र ग्रहण आपको परेशानी करेगा, बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना होगा। कन्या राशि वाले मात्र एक चुटकी साबुत सफेद चावल शिवलिंग पर अर्पित कर दें, आपके रुके हुए पैसे भी मिलेंगे और आपका मन भी खुश हो जाएगा, तो ये उपाय कन्या राशि वाले जरूर करें। तुला राशि के जितने जो लोग हैं, नौकरी और आजीविका को लेकर परेशान हो सकते हैं, उतार चढ़ाव हो सकता है आपकी आजीविका में, पहले ही आपको ज्योतिष गुरु बता रहे हैं। एक उपाय, सुबह के समय आप शिव चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए, तमाम परेशानी और नेगेटिविटी से आप बचे रहेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के पिता जो हैं, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, यानी कि पिता की सेहत में उतार चढ़ाव होगा, आप छोटा सा एक उपाय कर लीजिएगा, धन की हानि भी यहां पर दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर आप चांदी के बर्तन से पानी पीना शुरू कर दीजिए, भगवान भोलेनाथ के नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए, फायदा होगा। धनुराशि के लोग, उनके जो ससुराल पक्ष है उनसे उनका संबंध खराब हो सकता है, तो भैया अपने ससुराल वालों से संबंधों को बेहतर बना के रख लीजिएगा, और एक छोटा सा उपाय आपको बता रहे हैं उसे कर लीजिए, बुजुर्ग महिलाओं को अन्न और वस्त्र का दान जरूर करिए। मकर राशि के जो लोग हैं, अपने व्यापार में आजीविका में उतार चढ़ाव देखेंगे, वो नुकसान भी हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा उपाय उस नुकसान से बचा सकता है, आप गुलाबी आसन पर बैठें, चंद्र स्तोत्र का 3 बार पाठ करें, आप देखेंगे आप नुकसान से बच गए हैं। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जितने जो लोग हैं, उन्हें अचानक गुप्त शत्रु परेशान करेंगे, बीमारियां अचानक उनके सामने आ सकती हैं, घबराइए बिल्कुल नहीं, सुबह के समय भगवान भोलेनाथ के शिवाष्टक का पाठ करिए, तमाम परेशानी दुख संकटों से आप बच जाएंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के लोग अचानक प्रेम प्रसंग में देखेंगे कि दरार आ गई है, आपका कहीं अफेयर चल रहा है, वहां पर आपसी वाद विवाद हो सकता है, और दरार के साथ साथ मैं कहूंगा कि टूट भी सकता है, क्या करें उपाय इससे बचने के लिए? अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में सबसे छोटी फिंगर में आपको एक शुद्ध मोती रत्न धारण करना है। तो मित्रों, हमने आपको बताया राशि अनुसार वो छोटा सा महा उपाय जो आप जरूर अपनाइएगा, फायदा निश्चित तौर पर होगा। अब आपको बताते हैं कि इस ग्रहण काल की अवधि क्या है, समय क्या है, और सूतक का जो है प्रारंभ कब से हो रहा है। देखिए, ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, यह जो चंद्र ग्रहण है 8 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन मंगल की राशि मेष राशि और शुक्र का नक्षत्र भरणी नक्षत्र में लगने जा रहा है। इस नक्षत्र के और राशि के स्वामी को जो है बहुत ज्यादा दुष्प्रभावित ये कर सकता है, तो इन राशि और नक्षत्र के तहत आने वाले जो लोग हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य को,
नौकरी व्यापार रोजगार को लेकर थोड़ा सा सतर्क जरूर रहना होगा। अब इसका प्रारंभ कब होगा, संपूर्ण विश्व में ये ग्रसित कब होगा चंद्रमा, समझते हैं। देखिए विश्व में जो ग्रहण का जो प्रारंभ है, जो शुरुआत है, वो भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:39 पर हो जाएगी। इसका जो खग्रास का प्रारंभ है वो भारतीय समय में दोपहर 3:46 पर होगा। और परमग्रास, और जो परमग्रास होगा मित्रों, वह 4:29 पर होगा। खग्रास की समाप्ति जो होगी वो शाम 5:12 पर होगी। और इसका जो मोक्ष काल है, जो समाप्ति काल है, वो शाम 6:19 पर होगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण शाम 5:12 पर शुरू होगा और इसकी समाप्ति शाम 6:19 पर होगी। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण मेष राशि भरणी नक्षत्र में होने से राशि और नक्षत्र स्वामी यानी कि मंगल और शुक्र काफी प्रभावित होंगे और इससे लोगों की सेहत पर काफी खराब असर पड़ेगा। अब आपको बताते हैं, ये तो था इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, लेकिन आने वाले वर्ष 2023 में कौन कौन से ग्रहण और कब लगने वाले हैं आपको जानकारी देते हैं। देखिए साल 2023 में 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को होगा, उसके ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण होगा जिसकी तिथि होगी 5 मई 2023। अगला यानी कि दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगेगा और उसके ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण 28 और 29 की मध्य रात्रि यानी कि 28-29 अक्टूबर 2023 को लग जाएगा। मित्रों ये जो चंद्र ग्रहण है इस पर्व काल के दौरान यानी कि इस त्योहारों के बीच में आया है। इस चंद्र ग्रहण का आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव बिल्कुल ना पड़े। चाहे आप व्यापारिक जगत से जुड़े हैं, राजनीतिक जगत से जुड़े हैं, चाहे आप कोई भी व्यवसाय काम या नौकरी करते हैं, अपनी राशि के अनुसार इन उपायों को जरूर अपना लीजिएगा ताकि आप चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बिल्कुल बच जाएं। क्योंकि चंद्रमा इस सृष्टि में एक है, ग्रहण तो उसको लग रहा है, चाहे वो ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण ही क्यों ना हो, उसका प्रभाव इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर और इस सृष्टि के जितने जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर भी अवश्य पड़ेगा। तो मैं तो यही सलाह दूंगा आपको कि मित्रों अपने सगे संबंधियों को इन उपायों को आप साझा कर दीजिएगा। इस सृष्टि से संबंधित जितनी जो जगत जीव के अंदर जो जीव आते हैं उनकी सेवा भी आप इस ग्रहण के बाद जरूर करिएगा ताकि उन पर भी कोई दुष्प्रभाव बिल्कुल ना आए। तो मित्रों साल के आखिरी चंद्र ग्रहण और जी न्यूज की स्पेशल कवरेज चंद्र ग्रहण पर महासंयोग में बस इतना ही।